आज मैं बताऊंगा एक स्विच और एक फैन रेगुलेटर का कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। हमारा सीलिंग फैन छत पे जो पंखा लगता है उसके साथ कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। मान लीजिए हमारा बोर्ड में एक स्विच लगा हुआ है, इसे हम अप ऑन कर रहा है, लेकिन इसमें एक फैन रेगुलेटर को लगाना है। तो इस फैन रेगुलेटर को उस बोर्ड में कैसे कनेक्शन करेंगे? यह स्विच में दो टर्मिनल है और फैन रेगुलेटर का भी दो टर्मिनल है। ये फैन रेगुलेटर इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर है। तो दोस्तों, इस फैन रेगुलेटर से कोई भी एक वायर लेके, ये दो छोर हैं, कोई भी एक वायर लेके यह स्विच का ऊपर वाला हिस्से में कनेक्ट करना है। दोस्तों, यह स्विच का ऊपर वाला हिस्से में ये फैन रेगुलेटर का एक वायर कनेक्ट कर दिया। अभी स्विच का नीचे वाले हिस्से में बाहर से मेन वायर आएगा, जिसको फेस वायर कहते हैं। ये फेस वायर स्विच का नीचे वाले हिस्से में कनेक्ट कर दिया। अभी रेगुलेटर का और एक पॉइंट बचा हुआ, ये पॉइंट फैन का एक हिस्से में कनेक्ट होगा। दोस्तों, इस बल्ब होल्डर को हम फैन मान के चलते हैं। इस बल्ब होल्डर को हम फैन मान के चलते हैं क्योंकि फैन हम नीचे नहीं ले पाया। तो इसमें दो पॉइंट हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल, एक रेड और एक ब्लैक। अभी रेगुलेटर का ये एक दूसरा पॉइंट इसको होल्डर का रेड वायर का साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये मान लीजिए फैन का एक पॉइंट का साथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से ये फेस बाहर से आया स्विच में, स्विच से होके ये रेगुलेटर के थ्रू ये हमारा होल्डर में गया, मतलब फैन में गया। अभी फैन का ये न्यूट्रल वायर बचा हुआ, इस न्यूट्रल वायर को बाहर से ये ब्लैक वायर आया, ये न्यूट्रल वायर, इसका साथ मिला देते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूट्रल वायर होल्डर में डायरेक्ट गया, मतलब फैन में डायरेक्ट गया, और ये फेस वायर पहले स्विच में आया, अभी स्विच से होके फैन रेगुलेटर में आया, रेगुलेटर से होके ये होल्डर में गया, मतलब फैन में गया। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन पूरा होती है। तो अभी हम रेगुलेटर को जैसे जैसे घुमाएगा, फैन का स्पीड भी कम ज़्यादा होते जाएगा। तो इस रेगुलेटर से भी हम फैन को बंद कर सकते, और ये स्विच से भी हम फैन को बंद कर सकते। तो इस वीडियो में आपने सीख लिया कि फैन का रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरह से करनी है। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।